मार दे ताली, अपनी मराली सुनेंगे ना गाली, बहन वाली में सुनेंगे ना गाली बे। आ गए यारो पिट के रारे करो और पिट के, दूसरे से या लिपे दुनिया से ये शिफ्ट, पिंजरे में ये टिकते, दुकानों में ये बिकते। अरे ठीक है भाई, सॉरी दे दे गाली। तो आ गए तुम लोग, कैसे हो? तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यार बड़े बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स और ये YouTube के स्टार्स प्लेयर जो हैं पबजी के, इनको कैसे हराया जाए गेम के अंदर। बेसिकली ना ये बहुत तगड़े प्लेयर है और तुम जानते हो तुम्हारा भाई इनसे भी तगड़ा है, तो इसलिए तुम्हारा भाई आज सिखाएगा कि कैसे बड़े प्लेयर को मारना है। ठीक है, तो जैसे कि तुम जानते हो तुम्हारा भाई चैम्पियन है, तो मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, वैसे ही तुम्हें भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये तुम्हारा पहला पॉइंट है इन बंदों को हराने का। अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है तो तुम अपना मैच शुरू कर दो, और अगर तुम भी मेरी तरह प्रो हुए तो तुम्हारे मैच में भी मॉर्टल स्काउट की तरह कोई ना कोई आ जाएगा। अरे मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया। अरे वो क्या गया है तेरे को? 50 रुपए का डोर एक्टिंग की वजह से तो अपनों ने ही लूट लिया। गैरों में कहां दम था, छोड़ के चले गई जैसे हम में ही कुछ कम था। यार सिंपल सी बात है, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और लड़कियों से दूर रहना चाहिए। अपनी तो यही फिलॉसफी है। अब तो हो गए रे दूर, चल तो एक काम कर, मेरी वजह से अपने टॉपिक से मत भटक, अपना काम कर। हाँ यार सही बोल रहा है। तो यार देखो, तुम्हारा भाई मिलिट्री बेस उतरा था इस गेम के अंदर, और मिलिट्री बेस में थोड़े मोड़े लूट लाट करके वहाँ पे देखो, तुम्हारा भाई जाता है तो वहाँ पे कोई बंदा आता नहीं है। ये तुम्हारे भाई की खासियत है, कहीं पे भी तुम्हारा भाई हॉट ड्रॉप पे चला जाएगा तो बंदे बहुत कम आते हैं। ठीक है, इस बार तो आए ही नहीं थे, तो वहाँ से हमने लूट लाट करी और हम निकले नोवो। अब नोवो के अंदर यहाँ पे बंदे थे, एक स्क्वाड थी, इन ये स्क्वाड लूट लाट करी थी, और लूट लाट करने के बाद ये घरों की तरफ आ गई। ठीक है, घरों की तरफ आ गई तो हमने एक बंदे को भी डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये बंदा यहाँ पे, और हमने उसे डैमेज दिया, बट वो बच गया। अब तुम्हारा भाई देखो, रश तो तुम्हारा भाई पेलता है, ठीक है, तुम्हारा भाई डरता तो किसी के बाप से नहीं है, तो अब तुम्हारा भाई रश पेलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदा दिखा, हम मार रहे थे, लेकिन तुम पता है तुम्हारे भाई जब भी किसी बंदे को मारेगा तो तुम्हारे भाई के टीममेट्स तो चुराएंगे उसका किल, तो वो चुरा लेते हैं फिर से। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया जाता है मेरे प्लेयर्स के द्वारा, वो कहते हैं कि इधर है इधर है इधर है, लेकिन फिर मुझे पता लग जाता है कि इधर है, और फिर तुम्हारा भाई अब जाएगा। और अब मुझे ये नहीं समझ आता है बंदा यहाँ पे लूट की क्या ही कर रहा था, चलो छोड़ो यार क्या ही फर्क पड़ता है। अरे जिंदगी है बहुत छोटी, जा कर ले प्यार थोड़ा, जाके कर दे अपनी क्रश को प्रपोज, इससे पहले ना कर दे कोई बहन कर। फिर गाली, तेरे को मना किया था ना कि गालियां नहीं देनी मेरी वीडियोस में, अभी मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ बंदों को कि कैसे प्रो प्लेयर्स को मारना है, और तू ये आके गंदी गंदी लाइनें बोल के गंदी गंदी गालियां सुना रहा है इनको। कैसे तेरे नखरे हैं, कैसा तेरा स्टाइल है, गांड धोने की तमीज नहीं, हाथ में तेरे मोबाइल है। अबे साले लड़की छोड़ गई है तो तू मेरी वीडियोस को खराब करेगा, तेरे को समझ नहीं आ रहा तू जा क्यों नहीं रहा है आज? बस आज तेरा भाई मूड में है, आज तेरा भाई सबको बता देगा कि तेरा भाई कितना टैलेंटेड है। अरे हाँ यार, चलो यार हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सिखा रहा था कि कैसे आप प्रो प्लेयर को हराते हो, तो यार अभी तक तो कोई प्रो प्लेयर नहीं आया, लेकिन हमारे इस मैच में स्काउट महाराज खुद आए हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि स्काउट का कोई सीन होने वाला है मेरे साथ, तो यहाँ पे हुआ है, एंड अब हमने यहाँ पे नोवो क्लियर कर दिया है, एंड हम आगे जाएंगे स्काउट को मारने के लिए। तो देखो यार ये वीडियो जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और एंड में जाके हमारी स्काउट से फाइट होगी। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता लगेगा कि स्काउट के साथ हम कैसे फाइट करते हैं। नोवो क्लियर करके इधर आ गए होते हैं, और इधर से हमने फ्लेयर फायर कर दी होती है, और फ्लेयर से हमें अग मिल चुकी होती है, और उससे हमने एक क्लियर नॉक कर दिया होता है। अब हम पेप्सी पियेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा भाई देखो पेप्सी पी लिया, पेप्सी पी के अब तुम्हारा भाई आगे रश करेगा। तुम्हारा भाई रश तो बहुत तगड़ा करता है, तुम जानते हो, तुम्हारा भाई रश कर ही रहा होता है कि तुम्हारे भाई के ट्रेंड बंदे सब खत्म कर देते हैं। अब तुम्हारा भाई बस लूट करेगा अपनी फेवरेट काम। अब हमारे ऊपर एक दूसरी स्क्वाड रश करती है, अब तुम्हारे भाई को तुम जानते हो तुम्हारे भाई के ऊपर रश तो होते हैं तगड़े वाले। ठीक है, अब तुम्हारे भाई के ऊपर दूसरी स्क्वाड रश करती है, और तुम्हारा भाई उसमें से एक प्लेयर नॉक कर देता है दूसरे प्लेयर को, तो अब तुम जानते हो तुम्हारे भाई के ट्रेंड बंदे बहुत तगड़ा खेलते हैं। ठीक है, तुम्हारे भाई के ट्रेंड बंदे किल चोरी करना तो तुम मेरे से भी अच्छा जानते हैं, तो यहाँ पे हम एक स्क्वाड कंप्लीट कर देते हैं, बट एक बंदा इनका बच जाता है, हम उसी को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होते हैं।
और पता लगता है कि वो वेयर हाउस में छुपा है, और अब हम जाएंगे और वेयर हाउस पे उसको मार देंगे। अब तुम जानते हो यार, मैंने ट्रेन कर रखा है अपने लॉन्डो को, तो वो मेरे को किल लेने ही नहीं देते, और मैं भी सोचता हूँ यार उनको ही ले लेने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो स्काउट को मारेंगे, हम इन सबको नहीं मारते छोटे मोटे लोगों को, तो हम यहाँ पे इनको किल दे देते। अरे इतना हुस्न लेकर कहाँ जाओगी, एक दिन तुम भी आंटी बन जाओगी। अरे कौन आंटी बन जाएगी यार, तू पागल है। नहीं तेरे को मैं बता चुका हूँ कि मैं अपनी वीडियो के अंदर टिप्स दे रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर टिप्स दे रहा हूँ, और तू बीच बीच में ये हुस्न हंसने की बातें करता रहता है ना, तो सब फ्लो खराब कर देता तू मेरा भी। अरे इसको छोड़ो यार, अब अपने गेम प्ले पे ध्यान देते हैं फिलहाल, क्योंकि स्काउट आने वाला है। तो यार अब यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे हम एक उस घर के अंदर बंदा नॉक कर देते हैं, और रश कर रहे होते हैं, और फिर होता क्या है, अब देखो अब हम वहां जाएंगे और पूरा क्लच कर देंगे, सारे बंदे मार देंगे। अब वहां पे देखो, वहां पे वो चार बंदे, एक बंदे को मैंने वहां पे डैमेज दिया, एक बंदा नॉक कर चुका हूं मैं। अब यहां पे पेड़ के पीछे कवर लूंगा, और मैं अब देखो यार स्काउट ने मुझे मार दिया है, इससे उसने प्रूव कर दिया है कि वो एक प्रो प्लेयर है, बट यार वो अकेले है ठीक है, और हमारे पास हमारे दो बंदे हैं अभी जिंदा, और हमारे दो बंदे उसको मार देंगे ठीक है। हमारे दो बंदे हैं ही प्रो प्लेयर यार, हमने ट्रेन किया है। अब हम देखो यार, हमें पता ही नहीं था कि स्काउट इस मैच में है, मेरे को मारने के बाद पता लगा कि वो है ठीक है, तो अब हमारे प्लेयर जाएंगे और जाके उसे मार देंगे ठीक है। अब हमारा प्लेयर, एक प्लेयर को उसने नॉक कर दिया था फिर से, बट कोई नहीं, अब हमारा एक प्लेयर जाएगा अकेले और बूम बाम करके आएगा। अब देखो यार इस गेम प्ले में मैं तो मर गया, बट मैं तुम्हें टिप्स तो दूंगा ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ही टिप्स एंड ट्रिक्स की है। तो अब बेसिकली स्काउट ने मुझे तो मार दिया, लेकिन अब मेरे टीममेट उसे मार देंगे, वो उसने सबसे बड़ी गलती करी बीफेक को मार के ठीक है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब हमारा एक टीममेट जा रहा है गाड़ी गुड़ी लेके, और अकेले तो स्काउट बचा है, तो स्काउट क्या ही कर लेगा अकेले। तो अब हमारा एक टीममेट को पता है उसकी लोकेशन, और ESP लगा रखा है हमारे टीममेट ने, और जाएगा। अब ये गया अंदर, पीछे से स्काउट ने थोड़ा सा डैमेज दिया, बट कोई नहीं, अब हमारा प्लेयर अंदर आ गया है और हील हूल करेगा। अब दूसरा प्लेयर उसको कवर देने के लिए आएगा, और दूसरा प्लेयर उसे स्काउट को कंप्लीट कर देगा ठीक है। अब देखना, ये इधर से कवर देगा, वो उधर से कवर देगा, और अरे अबे यार कोई नहीं, अभी एक प्लेयर है, अभी एक प्लेयर है, अभी भी बहुत चांसेस है। अभी स्काउट यार एक प्लेयर नॉक कर दिया, दूसरा तो मार ही देगा हमारा यार। अब देखो हमारे प्लेयर ने स्मोक किया, हमारे प्लेयर सोच रहा है कि हम उसको बचा लेंगे ठीक है। अब तुम भी ऐसे टीममेट रखना जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए पूरी 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 मेहनत लगा दे, पूरा अपना दम लगा दे कि भाई हम अपने प्लेयर को बचा के रहेंगे कुछ भी करके। ऐसे ही प्लेयर चाहिए तुम्हें चिकन डिनर निकालने के लिए स्काउट के सामने। अब ये जाएगा और स्काउट को मार देगा, ये और वैसे तो मुझे अब इसमें कुछ बोलना नहीं है, बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मेरे टीममेट्स नहीं मार पाए उसको, लेकिन यार फिर भी देखो यार मेरे को तो उसने पीछे से स्नाइपर शॉट मारा था, मैंने उसको देखा भी नहीं था, पीछे से स्नाइपर शॉट आया, सामने सामने फाइट हो जाती है, पीछे से कोई नहीं मारा जाता किसी को ठीक है, तो वहाँ पे मेरी गलती तो थी नहीं। अब यहाँ पे ये फाइट नहीं ले पाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ है ना। तो यार मैंने तो इनको बोला था, मैंने तो इनको पूरी इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने तो इनको ट्रेनिंग भी दी थी, इनसे 500 रुपये PTM भी लिए थे, लेकिन फिर भी अभी ये नहीं मार पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड हाँ यार, मेन पॉइंट तो ये है कि स्काउट मेरे मैच में आया था, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, बाकी तो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देखो वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है और मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, तो मेरे प्रोफेशनल प्लेयर के मैच के अंदर वो आ जाए इतना काफ़ी है। अरे उसका नाम जो ओरिजिनल प्रोफेशनल प्लेयर है ना, जिसको तू बार बार प्रोफेशनल प्लेयर बोल रहा है, उसका नाम और इसका नाम अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देख। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भग्या साला। अबे छोड़ो बे इसको, भग्या साला। तो यार देखो यार, ये तो अब एंड नहीं करेगा, तो हम ही एंड कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे भाई का ही चैनल है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।